ऐसे खाली पॉट है हमारे पास में, ये खाली पॉट है। तो दोस्तों आज है 66वां दिन और हम करने वाले हैं आज बोट लिली के बारे में बात और कैसे इसको प्रोपेगेशन किया जाता है इसका। मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं मम्मी गार्डन चैनल। हम कर रहे हैं 180 दिन में गार्डन ट्रांसफॉर्म। तो आज उसी के अंदर हम बोट लिली लेके आए थे पहले, तो इस बोट लिली में काफ़ी सारे अब एक्स्ट्रा पफ निकल गए हैं, तो उन सब पफ को हम कुछ इस तरीके से जो हमारा वर्टिकल गार्डन है उसमें हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं। हमारे पास दो कलर के बोट लिली थे, तो दोनों तरीके की बोट लिली को हमने पॉट में लगाया था, तो दोनों हमारे सक्सेसफुल हो चुके हैं। और लेकिन आज हम सिर्फ ये जो ग्रीन वाला है इसी के हम पफ को दूसरे जो वर्टिकल गार्डन के ऐसे खाली पॉट हैं उनमें लगाएंगे। अब मैं मिट्टी की अगर आपको इसकी बात करूँ तो जो हमने मिट्टी इसमें काम में ली है वो 1/3 हिस्सा हमने कोकोपीट, 1/3 हिस्सा हमने इसके अंदर सिंपल मिट्टी और 1/3 हिस्सा इसमें हमने बर्मी कंपोस्ट का लिया था और थोड़ा सा मिलाया था हमने इसमें फंगीसाइड पाउडर। तो ये अच्छा चल गया हमारा, तो हमने ये प्रैक्टिकल के तौर पे लगाया था। अब बाकी काम इसी से करने वाले हैं। और सबसे पहले मैं और पॉट्स ले आता हूँ। तो हमारे पास में ये खाली पॉट हैं, तो इन खाली पॉटों को हम यूज करने वाले हैं। ये हमने खाली पॉट इसीलिए छोड़ रखे थे कि इनमें हम इसी तरीके से प्लांट लगाएंगे। तो दोस्तों इसके पफ निकालने का तरीका ये है, जैसे ये साइड में ये आ रही है तो इसको हम बस इधर से इस तरीके से तोड़ लेंगे। तो देखो इसके अंदर ये जड़ आ रही है ना, तो बस इसको हमें इस तरीके से थोड़ी सी मिट्टी, थोड़े से हमने ये पत्ते हटा लिए थे इसके। अब देखो इसको इस तरीके से रख के और बस हमें इसके अंदर मिट्टी डाल देनी है। ये बस इस तरीके से अब हम बाकी को भी लगा लेंगे। बोट लिली का पौधा आपको आराम से किसी भी नर्सरी पे मिल जाएगा, तो आप इसे ज़रूर लीजिए। और तो पत्तियों का जो वेरिएशन है इस पौधे को और भी अच्छा बना देता है। और जितने भी इसके अंदर कलर आते हैं उसके अंदर सबसे बड़ी बात यही होती है कि पीछे से तो ये इसी कलर के पर्पल कलर के ही आएंगे और आगे ऊपर से इनमें कलर वेरिएशन हो सकता है। बाकी यदि आपको वीडियो पसंद आया हो और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और यदि आपको चैनल की सीरीज पसंद आ रही है तो मम्मी गार्डन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।